अर्जुन के रथ के ऊपर सारथी बनकर बैठे। लड़ने वाले लोग सारे घरेलू लोग हैं, घर का ही है। अपने परिवार के लोग सारे दो दल में दोनों पक्ष को, जो जिन पक्ष को समर्थन करते हैं वही पक्ष में आ गए और लड़ाई लड़ने के लिए सारी तैयारियां कर ली। एक तो पांडवों का पक्ष है, दूसरा कौरवों का पक्ष है। पांडवों में भगवान स्वयं द्वारकाधीश हजारों विपत्तियों में से है इन लोगों को बचाया। आज भी उन्होंने उनका सहायता की। द्वारकाधीश होते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी उन्होंने अर्जुन के रथ में सारथी बनकर बैठे। इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी सारथी बन गए। कुरुक्षेत्र लड़ाई का मैदान है। लड़ाई के मैदान में अर्जुन उपस्थित होके दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापना करने के बाद अपनी नजरों से अर्जुन ने जब देखा कौन कौन के साथ मैं लड़ना और लड़ने के लिए मैं आया हुआ हूँ, देख रहे थे। जो भी देखे सारे परिवार के ही लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, गुरु वर्ग वहाँ पर विराजमान गए, फिर अपने पक्ष में सारे भैया लोग भी गए, सैला संबंधी मामा ये सारे वहाँ पर विराजमान गए। तो अपने घर के लोग होते हुए भी हम भी उनके गए, सारे संपर्कित होते हुए भी कैसे मारूं? और मारना भी किस लिए है? न संपत्ति के लिए, संपत्ति इसको हमारे पूर्वजों ने भोग किया था, हस्तिनापुर की सिंहासन वे सभी चले गए। आज मानो हम भी पालेंगे, हम भी चले जाएंगे जगह की जगह जहां पर पड़ा रहेगा, लेकिन क्यों इतने अहितकर कर्म के प्रति हमारा लड़ाई का झोंक हो रहा है? अघोवत महत पापम, इनने ये भी अपने विचार में अनुभव किया, मैं तो महान पाप करने के लिए यहाँ पर आ पहुँचा। अघोवत महत पापम कर्तुं व्यवस्थिता व्ययम, मैं करना करने के लिए आ गया है। यद राज्य सुकलोभ है न, राज्य का सुख और भोग हंतुं सजन मुद्दता, सजन सभी को मारने के लिए मैं उठ के खड़ा हो गया। इसके कारण उनके मन में विषाद आके उपस्थित हुआ। स्वाद नहीं है लड़ाई, अगर सेना योद्धा लड़ाई करते समय उनके मन में
लड़ाई का जो आनंद है, जो भजन करने वाले लोग हैं, भजन दूसरों को सुना के उनको आनंद, खुद भी आनंद लेना है, दूसरों को भी आनंद देना है। ये भी जो लड़ाकू हैं योद्धा, वो भी खुद भी आनंद लेंगे और लड़ाई में दूसरों को मार के उनको आनंद होगा, मैंने शत्रु को मार डाला। ये आज उनके मन में विषाद आके कोई भी लड़ाई में स्वाद उनको नहीं मिल रहा है, ये क्यों? इसी प्रकार साधक जब साधना करने के लिए बैठते गए तो साधना करते समय उद्देश्य क्या है? मैंने इतने सारे घर परिवार छोड़ के यहाँ पर आके बैठा हूँ भगवान जी से मिलने के लिए, भगवान से एकत्र होने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए, मेरा जीवन को संयमित करने के लिए, बिगड़ी को बनाने के लिए मैं आके बैठा हूँ, और इसका आनंद उनको रस उनको नहीं मिले तो कोई भी काम वो ढंग से नहीं कर पाएगा। विषाद, कोई स्वाद नहीं रहा। अगर जुहा में भी आपका स्वाद नहीं रहे, स्वाद का जो बीमारी वो नाश हो गया, बीमारी हो गया, तो अच्छे अच्छे चीज आपको खाने के लिए दिया जाए तो आपको स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे बुखार हो गया किसी का, जीवा में रुचि नहीं है, तो उनके पास कोई भी अच्छी सामग्री दिया जाए वो एक दो कोर खाएगा फिर उसको छोड़ देगा, नहीं मेरे स्वाद नहीं है, बीमारी का ही लक्षण है। ये भी इसी प्रकार अर्जुन के मन में हो गया था। विषाद ग्रसित होके भगवान जी से प्रार्थना किया। तो इसका पहला श्लोक कहते हैं हस्तिनापुर के जो राजा उसी समय का कौरवों के पिताजी धृतराष्ट्र हैं, जन्म से वो अंधा हैं, अंधे होते हुए भी उनका मन में इच्छा है जो हमारे परिवार वालों ने लड़ाई करने के लिए गए, वो लड़ाई में कैसी क्या लड़ाई हो रहा है मुझे आप तो नहीं है, मेरा बात सही है लेकिन कम से कम तो सुनू, और किसका क्या हो रहा है मैं सुनूंगा तो अपने परिवार के लोगों का क्या क्या स्थिति बन रहा है तो मुझे आनंद आएगा सुन के भी। तो सुनाने के लिए व्यासदेव जी के एक शिष्य थे, व्यासदेव जी उनको आशीर्वाद दिया था, संजय उनका नाम है, संजय तो नाम ऐसी का सम्यक रूप में जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है, मन को जीत लिया है, तो जो मन जीत हो गए उनके दूरदर्शन दूर श्रवण का सामर्थ्य प्राप्त हो जाया करते हैं। दूर कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ लड़ाई का मैदान हरियाणा प्रांत में, इतने दूर यहाँ पर बैठ के वहाँ का क्या घटित घटना है सारे देख रहे हैं, और वही वार्तालाप सुना रहे। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र बोल रहे थे, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सव, सारे लड़ाई लड़ने के लिए जो योद्धा उपस्थित हैं, माम का मेरे पांडवों का पुत्रों ने कीम कुर्वत सन, क्या कर रहे ऐसी लड़ रहे, मैं सुनू सुना। तो दूरदर्शन करने का सामर्थ्य साधक के पास हो जाता है साधना करते करते। बिखरे हुए मन का स्थिति, विषयों में बिखरा हुआ है तो विषय से उनका मन को हटा के ब्रह्म चिंतन में लगा दिया जाए, एक दिन का बात नहीं है, अभ्यास करते करते उनका मन एक जगह में एकत्रित हो जाते, एकाग्रता के साथ वो करें तो वो सामर्थ्य उनको प्राप्त होगा। योगी आज भी वही साधना साध के योग्यता का
अधिकारी बन जाते हैं उनके नाम है संजय। धृतराष्ट्र बोल रहे थे पहले श्लोक किम कुर्वतस्मि, क्या कर रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, सुना रहे थे संजय ने। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म गुरु जय, ब्रह्म गुरु जय, शिवाय नमो, ब्रह्म गुरु जय, ब्रह्म गुरु जय, ब्रह्म गुरु जय, शिवाय नमो, ब्रह्म गुरु जय।